हाई गाइज, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश राणा चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट यानी एट का प्रयोग। आज हम जानेंगे एट का प्रयोग कहाँ होता है। गाइज, आज से हम प्रीपोजिशन का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक प्रीपोजिशन को अलग अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। खासकर आज हम देखते हैं एट के कंसेप्ट को। आज हम एट के हर कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एट है क्या। एट एक प्रीपोजिशन है गाइज, इसका अर्थ में होता है। जब एट का अर्थ में होगा तो इसका प्रयोग कहाँ होगा। इसका प्रयोग छोटे स्थान के भाव में होगा, है ना। एट का अर्थ में होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, छोटे स्थान के भाव में होता है। जैसे अमन सिमरी में है। देखिए, सिमरी क्या है, एक छोटा स्थान है, एक छोटे से जगह का नाम है। यहाँ पर मे का एट होगा। मे का एट क्यों होगा, क्योंकि सिमरी एक छोटे से जगह का नाम है, छोटे से स्थान का नाम है, और छोटे स्थान में मे का एट होता है। कैसे आप जानेंगे कि कौन सा जगह छोटा है और कौन सा जगह बड़ा है। आमतौर पर विलेज जो होते हैं, ब्लॉक जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट जो नेम होते हैं, वो छोटे स्थान के अंतर्गत आते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है, आबादी है, अत्यधिक होता है, जिसको महानगर में घोषित कर दिया गया हो, वो बड़े स्थान के अंतर्गत आते हैं। बाकी आमतौर पर जिला तक, डिस्ट्रिक्ट तक छोटा स्थान होता है, वो गांव हो या ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो। अमन सिमरी में है। सिमरी में कौन है, अमन, अमन का अमन। सिंपल सेंटेंस से अंत में है लगा हुआ है, इज एम आर से बनेगा। अमन एक नाम है ना, एक नाम के साथ इज, अमन इज, अमन है, कहाँ है, सिमरी में। सिमरी एक छोटे से जगह का नाम है, मे का एट हो जाएगा, और सिमरी का सिमरी, अमन इज एट सिमरी। वे लोग रोहतास में हैं। रोहतास में कौन है, वे लोग, वे लोग का दे, दे के साथ आर लगेगा। इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में, वाक्य के अंत में है हु हो लगा रहने पर किया जाता है। वे लोग रोहतास में है, यह सिंपल सेंटेंस है, और वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, इज एम आर का प्रयोग होगा। रोहतास में कौन है, वे लोग, वे लोग का दे, दे के साथ आर लगता है, दे आर, वे लोग है, कहाँ है, रोहतास में है। रोहतास एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, है ना, रोहतास एक जगह का नाम है जो छोटा सा जगह है। मे का यहाँ पर एट हो जाएगा, और रोहतास का रोहतास, दे आर एट रोहतास, वे लोग रोहतास में हैं। आप बक्सर में नहीं हैं। बक्सर में कौन नहीं है, आप, आपका यू, यू के साथ आर नहीं है तो नट, यू आर नट, आप नहीं हैं, कहाँ नहीं है, बक्सर में। बक्सर गाइज एक जगह का नाम है, छोटे से जगह का नाम है, मे का एट, और बक्सर का बक्सर, यू आर नॉट एट बक्सर, आप बक्सर में नहीं हैं। गाइज, एट का हमारा दूसरा कंसेप्ट है, एट का अर्थ पर होता है। इसका प्रयोग छोटे स्थान के भाव में होता है। गाइज, एट का हमारा दूसरा कंसेप्ट है, एट का अर्थ पर होता है। इस अर्थ में यह स्थान सूचित करता है। एट का अर्थ पर होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, स्थान के सेंस में किया जाता है, जगह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे अमन घर पर है। घर क्या है, एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। गाइज ध्यान देना है, पर का इंग्लिश एट वहीं पर होगा जब कोई व्यक्ति किसी जगह के संपर्क में होगा, है ना। अमन घर पर है, यहाँ पर घर एक जगह है जो उस घर के संपर्क में अमन है, संपर्क के सेंस में पर का एट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अमन घर पर है, घर पर कौन है, अमन, अमन एक नाम है, एक नाम के साथ इज, अमन इज, अमन है, कहाँ है, घर पर है। पर का क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। एट क्यों होगा, क्योंकि घर एक जगह का नाम है जो अमन के संपर्क में है, या अमन घर के संपर्क में है, इसीलिए पर का एट होगा, और घर का होम, अमन इज एट होम, अमन घर पर है। वो दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजे पर कौन खड़ी है, ओ का सी, सी के साथ इज, खड़ा होना का स्टैंड का
भी फॉर स्टैंडिंग, भी फॉर यानी चौथा रूप, सी इज स्टैंडिंग, वो खड़ी है। देखिए वो खड़ी है, यह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि खड़ा होने का काम यहाँ पर बिल्कुल जारी है। सी इज स्टैंडिंग, वो खड़ी है, कहाँ खड़ी है, दरवाजे पर। दरवाजा एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है और वो दरवाजे के संपर्क में है, इसलिए पर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट, और दरवाजा का द डोर। सी इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ी है। वे लोग स्कूल पर नहीं है, वे लोग स्कूल पर नहीं है, स्कूल पर कौन नहीं है, वे लोग, वे लोग का दे के साथ आर नहीं है तो नट, दे आर नट, वे लोग नहीं है, कहाँ नहीं है, स्कूल पर। गाइज स्कूल एक जगह का नाम है, स्कूल के संपर्क में वे लोग नहीं है, है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर संपर्क का सेंस अवश्य जुड़ा हुआ है। यहाँ पर का आइट होगा क्योंकि यहाँ पर स्कूल एक जगह का नाम है जो लोगों के साथ संपर्क का सेंस उत्पन्न कर रहा है। दे आर नॉट एट और स्कूल का स्कूल, वे लोग स्कूल पर नहीं है, दे आर नॉट एट स्कूल। गाइज एट का हमारा अगला कंसेप्ट है दर का भाव बताने में एट का प्रयोग होता है, दर यानी रेट। जहां पर रेट की बात होगी गाइज, जहां पर दर की बात होगी वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। कैसे होगा जरा देखिए एग्जांपल, जैसे वह 40 रुपए किलो की दर से चावल बेच रहा है। चावल की दर क्या है, 40 रुपए किलो की दर से चावल यहाँ पर बेचा जा रहा है। यहाँ पर रेट की बात हो रही है, दर की बात हो रही है। जहाँ पर गाइस रेट की बात हो रही होगी वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे। पहले हम बनाएंगे वह बेच रहा है, पहले कर्ता और क्रिया को सब्जेक्ट और वर्ब को बनाते हैं। कौन बेच रहा है, वह का ही के साथ इज, बेचना का सेल का भी फॉर सेलिंग, ही इज सेलिंग, वह बेच रहा है, क्या बेच रहा है, चावल, चावल का राइस, ही इज सेलिंग राइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, क्योंकि क्रिया के अंत में रहा है लगा हुआ है, बेचना क्रिया है, क्रिया के अंत में रहा है लगा हुआ है। ही इज सेलिंग राइस, वो बेच रहा है क्या, चावल, राइस, ही इज सेलिंग राइस, वो चावल बेच रहा है। कैसे, 40 रुपए किलो की दर से, 40 रुपया एक दर है ना, रेट की बात हो रही है। यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, एट 40 रुपया का 40 रुपीज पर केजी, ही इज सेलिंग राइस एट 40 रुपीज पर केजी, वह 40 रुपए किलो की दर से चावल बेच रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, शिवम 20 रुपए किलो की दर से आम बेच रहा है। 20 रुपए किलो, दर की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, आम का रेट क्या है, 20 रुपए किलो है ना, रेट की बात हो रही है, एट का प्रयोग होगा। पहले बनाएंगे शिवम बेच रहा है, कौन बेच रहा है, शिवम, शिवम का शिवम, शिवम एक नाम है, एक है, एक के साथ इज, बेचना का सेल का भी फॉर सेलिंग, शिवम इज सेलिंग, शिवम बेच रहा है, क्या बेच रहा है, आम, आम का मैंगोज, शिवम इज सेलिंग मैंगो, शिवम आम बेच रहा है। कैसे, 20 रुपए किलो की दर से, रेट की बात हो रही है, एट का प्रयोग करेंगे, 20 का 20 रुपए का रुपीज पर केजी, शिवम इज सेलिंग मैंगोज एट 20 रुपीज पर केजी, शिवम 20 रुपए किलो की दर से आम बेच रहा है। अगला कंसेप्ट है गाइज, चाल यानी स्पीड का भाव बताने में एट का प्रयोग होता है। गाइज स्पीड के सेंस में भी एट का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चला रहा था, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चला रहा था। गाइस यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, चाल की बात हो रही है। जब वो कार चला रहा था तो उस समय कार की स्पीड क्या थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ पर गाइस स्पीड की बात हो रही है, रफ्तार की बात हो रही है, चाल की बात हो रही है। जहां पर स्पीड का सेंस लगा होगा, चाल की बात हो रही होगी, वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे वह चला रहा था, कौन चला रहा था, वह का ही
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, सहायक क्रियावाच चलाना का ड्राइव, ड्राइव का भी फॉर ड्राइविंग, ही वॉज ड्राइविंग, वो चला रहा था, क्या चला रहा था, कार, कार का औकार है ना, कितना रफ्तार से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, रफ्तार की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, चाल की बात हो रही है, यहाँ पर एट का हम प्रयोग करेंगे, 100 किलोमीटर प्रति आवर, ही वॉज ड्राइविंग अ कार एट 100 किलोमीटर प्रति आवर, आवर का मतलब होता है घंटा है ना, पामन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, दौड़ने का स्पीड क्या है अमन की, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, चाल की बात हो रही है, रफ्तार की बात हो रही है, हम एट का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे अमन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, अमन, अमन का अमन, अमन एक नाम है, इज दौड़ना का रन, रन का भी फॉर रनिंग, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है ना, जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, वहाँ पर हम मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं है ना, जिसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं वो भी फॉर यानी क्रिया का चौथा रूप कहलाती है, अमन इज रनिंग, अमन दौड़ रहा है ना, कितने रफ्तार से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और चाल के सेंस में, स्पीड के सेंस में एट का प्रयोग होता है, एट 120 किलोमीटर का, 120 किलोमीटर प्रति आवर, अमन इज रनिंग एट 120 किलोमीटर प्रति आवर। अगला हमारा प्रयोग है निश्चित समय का भाव बताने में एट का प्रयोग होता है, निश्चित समय, निश्चित समय के सेंस में एट का प्रयोग होता है, देखिए किस प्रकार होता है, जैसे वह 2 बजे पैदा हुआ था, यह टाइम फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता है ना, 2 बजे क्या है, निश्चित समय है, समझ रहे हैं ना, वह 2 बजे पैदा हुआ था एक निश्चित समय है, क्योंकि उस टाइम को अब चेंज नहीं किया जा सकता है ना, पहले बनाएंगे वो पैदा हुआ था, कौन पैदा हुआ था, वह का ही, के साथ वाज, पैदा हुआ था का बॉर्न, ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ था कब, 2 बजे, 2 बजे निश्चित समय है ना, निश्चित समय में एट का हम प्रयोग करते हैं, एट 2 बजे का, 2 o'clock, ही वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, वह 2 बजे पैदा हुआ था, अमन रात में पढ़ता है ना, निश्चित समय की बात हो रही है, रात क्या है कि निश्चित समय है, यह निश्चित समय है कि रात होगी, रात आएगी, ये निश्चित एक दिन होगा, दिन आएगा है ना, अमन रात में पढ़ता है, यहाँ पर रात में है ना, रात क्या है, एक निश्चित समय है, यहाँ पर एट का हम प्रयोग करेंगे, पहले बनाएंगे अमन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, अमन, अमन का अमन, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस से पढ़ना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, और प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ देते हैं, पढ़ना का रीड और रीड का V5 रीड्स, अमन के साथ V5 लगेगा, यानी क्रिया में एस लगेगा, अमन रीड्स, अमन पढ़ता है, खासकर ये सारी बातें हम टेंस के वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, यदि अभी तक आपने टेंस नहीं पढ़ा है ना, तो टेंस के प्लेलिस्ट में चले जाइए और एक एक टेंस को पूरी बारीकियों के साथ देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और कोई भी समस्या हो हमें कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। अमन रीड्स, अमन पढ़ता है कब, रात में, यहाँ पर मेक आइट हो जाएगा क्योंकि रात एक निश्चित समय है, ये निश्चित होता है कि रात आएगी, रात होगी, और रात का नाइट, अमन रीड्स एट नाइट, अमन रात में पढ़ता है, वे लोग दिन में नहीं आते हैं है ना, दिन में, दिन क्या है, निश्चित समय है, यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, पहले बनाएंगे वे लोग नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं, वे लोग का दे नेगेटिव है ना, सहायक क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस सहायक क्रिया डू या डस, यहाँ पर डे के साथ डू, नहीं है तो नॉट, और आना का कम, गाइस हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में जहाँ पर डू या डज लग जाता है वहाँ पर केवल V1 यानी क्रिया में एस या एस नहीं लगता है, दे डू नॉट कम, वे लोग नहीं आते हैं कब, दिन में, मैं कहीं पर एट
और दिन का टे। दिन निश्चित समय है इसलिए यहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे, है ना। वे लोग दिन में नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम एट डे। एट का हमारा अगला प्रयोग है लुक क्रिया के साथ, एट का प्रयोग होता है लुक, लुक क्रिया क्रिया है जिसका अर्थ होता है देखना, है ना। लुक क्रिया के साथ एट का प्रयोग होता है गाइज, इस सेंस में यह निशाना यानी डेस्टिनेशन को दर्शाता है, है ना। लुक का लुक क्रिया के साथ एट का प्रयोग होता है इस सेंस में, यह निशाना को दर्शाता है, लक्ष्य को दर्शाता है ना। किस प्रकार दर्शाता है, जरा एग्जांपल देखिए, वह चांद को दिखता है, यहाँ पर चांद को निशाना बना रहा है ना, और गौर से देख रहा है। वैसे भी गाइज लुक का प्रयोग गौर से, जब हम किसी चीज को गौर से देखते हैं, लक्ष्य बना करके निशाना लगा करके देखते हैं, है ना, वहां पर हम लुक का प्रयोग करते हैं। वह चांद को दिखता है, यहाँ पर चांद उसका निशाना है, लक्ष्य है, एट का प्रयोग होगा। पहले हम बनाएंगे वह दिखता है, कौन दिखता है, वह का ही देखना का लुक, लुक का भी फाइव लुक्स ही लुक्स। वह दिखता है किसको, चांद को, चांद निशाना है देखने का, उसका लक्ष्य है एट, और चांद का द मून, ही लुक्स एट द मून, वह चांद को दिखता है। अमन किरण को दिखता है, कौन दिखता है, अमन, अमन का अमन, देखना का लुक का भी फाइव लुक्स, अमन लुक्स, अमन दिखता है किसको, किरण को। देखने के लिए निशाना किसको बना रहा है, अमन किरण को, है ना। किरण के पहले एट यानी लुक क्रिया के साथ एट का प्रयोग होगा, अमन लुक्स एट किरण। हमेशा ध्यान दीजिएगा गाइज कि जहां पर हम लुक क्रिया का प्रयोग करते हैं वहां पर एट का हम प्रयोग करेंगे। अमन लुक्स एट किरण, अमन किरण को देखता है, मैं चांद को देखता हूं, आई लुक एट द मून, है ना, कुछ भी हो सकता है। गाइज मुझे उम्मीद है यह वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई झिझक है, तो बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।